जवाजा पंचायत समिति के भोजपुरा तथा नरबतखेड़ा के ग्रामीणों ने अनुपयोगी आवाप्तशुदा भूमि को अधिग्रहण मुक्त करने की मांग की है। अपनी मांगों को लेकर ग्रामीणों ने मंगलवार को उपखंड अधिकारी मृदुल सिंह को एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन ने बताया क्या कि 2009 में ब्यावर गोमती पीला पिंडवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए भूमि अधिग्रहित की गई थी। पूर्व में उक्त मार्ग पर भोजपुरा के निकट एक डाइवर्जन ब्रिज का निर्माण होना था, लेकिन बाद में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने उक्त ब्रिज का निर्माण भोजपुरा के बजाय केसरपुरा की सीमा के पास करवाने का निर्णय लिया। ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया क्या कि चूंकि अब तक ब्रिज भोजपुरा के बजाय केसरपुरा के पास बनाया जा रहा है, तो उक्त भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग के काम की ही नहीं है, अतः उक्त भूमि को अवाप्ति से मुक्त कर दिया जावे ताकि काश्तकार जमीन पर काश्ती कर अपना गुजारा चला सके। नरबतखेड़ा सरपंच आनंद सिंह रावत ने बताया कि जमीन के मालिकों ने इस तथ्य की जानकारी होने के कारण सरकार की ओर से दी जाने वाली अधिग्रहण की राशि का भी भुगतान नहीं उठाया है, अतः अनुपयोगी भूमि को अधिग्रहण से मुक्त किया जावे ताकि जमीन मालिक उक्त भूमि का उपयोग काश्तकारी तथा व्यवसायिक गतिविधियों में करके अपना गुजर बसर कर सके। ज्ञापन देने वालों में शक्ति सिंह, शंकर सिंह, जसवंत सिंह, भागचंद बाहेती, देवरा जागर, सुरेश सिंह, रेखा देवी, अभिषेक, सुरजीत सिंह तथा राजू सिंह आदि शामिल थे। समस्या यह है कि 2009 में हमारी जो जमीन अधिग्रहित की गई थी ट्रम्पेट निर्माण के लिए, वो ट्रम्पेट क्या है कि हम जब सूचना का अधिकार देते हमें प्राप्त हुआ कि वो ट्रम्पेट जो जिस जगह हमारी आवाज की गई थी उससे 1 किलोमीटर आगे शिफ्ट हो चुका है। तो अब हम ये डिमांड लेके आए हैं कि जब जिस चीज़ के लिए हमारी जगह अधिग्रहित गई वो जब आगे शिफ्ट हो चुका है तो जो हमारी जो जमीन है वापस हमारे खाते का हमारा नाम की जाए, इसलिए हम ये ज्ञापन देने आए। ब्यावर टू गोमती पाली पिंडवाड़ा हाईवे बनने के लिए जो राजस्व ग्राम भोजपुरा में भूमि वापस की गई थी, वहाँ एक डाइवर्सन ब्रिज बनने वाला था, वो ब्रिज कैंसिल होकर के आगे केसरपा सीमा के पास बन गया है, जबकि वो भूमि अधिग्रहण कर ली गई है और उस भूमि का किसी भी तरह का कोई हाईवे संबंधित उपयोग नहीं किया जा रहा है। इसलिए हम निवेदन करने आए हैं कि इस भूमि अधिग्रहण जो की गई है इसका मुआवजा भी संबंधित खरीदारों ने मुआवजा नहीं उठाया है, क्योंकि इनको जानकारी में आया कि ये ब्रिज आगे बढ़ गया इसलिए ये भूमि कैंसिल हो गई है। तो हम ये आज निवेदन करने आए हैं कि जिस भूमि का उपयोग नहीं किया जा रहा है उस भूमि को अधिग्रहण से वापस मुक्त किया जाए ताकि इन गरीब लोगों को वापस राहत मिल सके।